अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, फिर अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ माननीय सदस्यों को। माननीय सदस्यगण, तख्तियां लेकर सदन में नहीं आना है, तख्तियां लेकर सदन नहीं चलेगा। ये क्या उचित है सदन में कि आसन तक नजदीक आप आ जाए, आसन के ऊपर तक चल जाए? ये आपके परंपरा है, आपकी प्रॉपर्टियां है, इस तरीके से सदन चलाना चाहते हैं आप? ये मर्यादा है आपकी? प्रश्नकाल, प्रश्न संख्या 221। कृष्णपाल सिंह यादव, प्रश्न संख्या 221। माननीय मंत्री जी, उच्च सभापटल पर बैठे धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं प्रधानमंत्री जी और खेल मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बहुत ही विस्तार से जवाब दिया और खेलो इंडिया के माध्यम से पूरे देश में खेल कूद और युवा प्रतिभा को प्रोत्साहन देने का काम किया है। माननीय, मैं गुना लोकसभा क्षेत्र से आता हूं, जो कि एक आकांक्षी जिला है और उपयुक्त खेल सुविधाएं न होने के बावजूद मेरे क्षेत्र से 94 बच्चियों ने राष्ट्रीय स्तर पर और 5 बच्चियों ने विदेशों में जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का और मेरे लोकसभा का नाम रोशन किया है। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है, माननीय सदस्य प्लीज, प्लीज, मेरा माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्यगण, ये सदन आपका है और इस सदन को चलाने के लिए आपने कुछ व्यवस्थाएं बनाई है, कुछ नियम बनाए, कुछ परंपराएं बनाई है और ये देश का सबसे सर्वोच्च सदन है। मेरा आग्रह आपसे कि आप चर्चा करें, संवाद करें, ये तख्तियां लेकर सदन में मर्यादित आचरण नहीं है। और हम सबने भी तय किया था, सामूहिक रूप से निर्णय हुआ था कि हम तख्तियां लेकर नहीं आएंगे। फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, हर विषय पर, हर महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपको चर्चा करने का अवसर दिया जाएगा। ये सदन आपका है, सदन की मर्यादा बनाना है हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और सदन हमेशा नियमों, प्रपायों, परंपरा, प्रपाटियों से चलता है। मैं आग्रह करना चाहता हूं आपसे कि आप अपने अपने आसन पर विराजे, प्रश्नकाल को चलने दें। माननीय सदस्यगण, तख्तियां लेकर सदन में नहीं आना है, आप सबका निर्णय, हर विषय पर चर्चा कराएंगे लेकिन तख्तियां लेकर सदन नहीं चलेगा। मैं किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता लेकिन सदन नियमों से चलेगा, प्रक्रिया से। ये क्या उचित है सदन में कि आसन तक नजदीक आप आ जाए, आसन के ऊपर तक चल जाए? ये आपके परंपरा है, आपकी प्रॉपर्टियां है, इस तरीके से सदन चलाना चाहते हैं आप? ये मर्यादा है आपकी? माननीय सदस्यगण, मर्यादा बने रखे, विचारधारा के आधार पर अपनी बात कहें। असहमति व्यक्त करना, आलोचना करना सबका अधिकार है लेकिन सदन नियमों, प्रक्रियाओं, व्यवस्था से चलता है। आप ये मर्यादा करना चाहते हैं? पूरा देश आपकी इन विहार को देख रहा है, ये देश का सबसे स्वच्छ लोकतांत्रिक संस्था है। माननीय सदस्य, मैं आग्रह करता हूँ सदन की मर्यादा को बनाए रखें। आपने जिस तरीके से सदन की मर्यादाओं को तोड़ा है ये उचित नहीं है। मैं किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता लेकिन सदन व्यवस्थाओं से चलेगा, नियमों से चलेगा, परंपराओं से चलेगा।
फिर माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ, अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ सर माननीय सदस्यों को, फिर अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ माननीय सदस्यों को, सदन की कार्यवाही सर आप बोलना चाहते हैं जोशी जी, जिन लोगों ने ऐसे माफ करके माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो लाया है ये बहुत ही खंडनार है सर। आई स्ट्रांगली कंडेम दिस। जिन लोगों को जनता ने अभी अभी जो चुना हुआ इसमें इनका जो स्थिति क्या है उनको पता चल गया है, इनको ये जनता ने पूरा सबक सिखाया है। ये तो हारने का जो डेस्परेशन है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का मोदी जी का ये फोटो मार्क करके ऐसे अपमान कर रहे हैं। लोग इसको सबक सिखाया है, जो लोग हारे हैं चुनाव में, जो बुरी तरह से हार गए हैं, वो लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। ये जो जनता ने, भारत के जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व को स्वीकारा है, ऐसे व्यवहार करने से अभी जो इधर उधर चुन के आ रहा है दो तीन राज्य में, उधर उस राज्यों से भी इन लोगों को फेंक देते हैं सर। ये जो कर रहे हैं, ऐसे जो मार्क फोटो ला रहा है, ये तो मैं पूरा खंडन करता हूँ, पूरा सदन इसको खंडन करते है सर। तो और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो ऐसे फोटो लाया है उन लोगों से कार्रवाई होना चाहिए सर। माननीय सदस्य प्लीज आसन में विराजें, प्रश्नकाल चलने दें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।